हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका रिवीजन सीरीज़ में। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के जुलाई 2019 के जो करंट अफेयर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स 2020, उनको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो करंट अफेयर्स हैं इनमें आपको ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही ज़रूरी हैं आपके लिए देखना। पीडीएफ वुड बी अटैच टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो आप उसके थ्रू पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन ओपन दैट वाइल आई एम गोइंग थ्रू दिस एनवायरमेंट पार्ट, राइट? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट करंट अफेयर्स, दिस इज़ रिगार्डिंग द हमारे पास इको सेंसिटिव जोन, जिसको हम इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अब देखो, हमारे पास एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो गाइडलाइंस इशू करती है कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके अराउंड इको सेंसिटिव जोन्स होनी चाहिए। अब आइडियली बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अराउंड आप डिमार्केट कर दीजिए इको सेंसिटिव जोन, ठीक है? जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड होंगी, जो कि बफर जोन कह सकते हो आप, शॉक अब्सॉर्बर जोन कह सकते हो, ठीक है? अब स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिमार्केट करती तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 किलोमीटर्स अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज़ को हम इको सेंसिटिव जोन मान लेते हैं। अब इको सेंसिटिव जोन की जो नोटिफिकेशंस हैं वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दी जाती हैं। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एक्ट है इट डज़ नॉट मैंशन द वर्ड इको सेंसिटिव जोन, लेकिन उसका सेक्शन 3-5 सेज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एरियाज, ठीक है, इन विच इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस और प्रोसेसेस, या कुछ जो रिस्ट्रिक्टेड आपको लगता है कि नुकसान देंगी एक्टिविटीज़ टू द प्रोटेक्टेड एरियाज, आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कहती है कि आप नोटिफाई करिए, ठीक है? कोर्ट्स गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं, लेकिन अगर नहीं करती नोटिफाई तो बाय डिफॉल्ट 10 किलोमीटर्स इज कंसिडर्ड एज इको सेंसिटिव एरियाज, ठीक है? सो दैट इज़ अबाउट द इको सेंसिटिव एरियाज। उसके बाद जो नेक्स्ट टू हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, राइट? बट अगेन इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देन जल शक्ति अभियान, ठीक है? जल शक्ति अभियान जल शक्ति मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है टू इंश्योर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी इन द कंट्री, ठीक है? सो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स को ये फोकस करे पे ज़्यादा फोकस रहेगा इसका, और ये 5 इंटरवेंशंस रहेंगी जिसमें देखो वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये 3 तो ऑब्वियस हैं। इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंटरवेंशंस हैं जो जल शक्ति अभियान का पार्ट है, तो इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन और वाटर शेयर डेवलपमेंट को मत भूलना, ठीक है? नेक्स्ट इज इम्यूनो कॉन्ट्रोसेप्टिव्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यूज़ करेगी फॉर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ठीक है? अब कॉन्ट्रोसेप्टिव्स आपको पता है कि जिससे कि प्रेगनेंसी को हम रोक दें। इम्यूनो कॉन्ट्रोसेप्टिव क्या होता है, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट यूजेस द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है? सो जो फीमेल है उसका इम्यून सिस्टम यूज़ किया जाएगा टू बिल्ड अ प्रोटीन अराउंड द एग, जिससे उसकी फर्टिलाइजेशन ना हो, हैंस प्रेगनेंसी नहीं होगी, हैंस इट विल इंश्योर कॉन्ट्रोसेप्शन। तो ये अफ्रीका में काफ़ी फेमस है, तो इंडिया में भी बात की जा रही है। उसके बाद प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि हनी बीज का जो बस होता है उसको यूज़ करके एलिफेंट्स को फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स दूर रखा जाए, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट प्लान बी इज़, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बंगाल में एक पोर्ट में डायमंड हार्बर में सी लेवल इंक्रीज़ हो गया, मोर ऑफ अ मेन्स पार्ट, ठीक है? अब इंडिया में पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर हो रहा है, कहाँ आ रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, केरला में। उसके बाद देखो तेलंगाना में ग्रीन ड्राइव चल रही है, ठीक है? इसमें भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मियावाकी मेथड। या मियावाकी मेथड इज़ अ जापानीज मेथड जिसमें क्या किया जाता है कि जो आप अर्बन एफॉरेस्टेशन का मेथड है जिसमें आप अपने बैकयार्ड्स को ही मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हो, तो ग्रीनरी को प्रमोशन मिलती है और इसको मिनिमम मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो इसलिए इट्स वेरी मच सक्सेसफुल, ठीक है? उसके बाद CPCB के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये भी इतना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिटेरेनियन शार्क्स के बारे में आप एक बार शार्क्स के बारे में पढ़ सकते हैं,
ठीक है, शार्क अवेयरनेस डे के बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखो टूरिस्ट जो है वो स्ट्रेस कॉज करते हैं टाइगर्स को, दिस इज़ अ स्टडी बाय CCMB, ठीक है, सो इट इज़ अंडर लेकॉन्स, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद ऑर्किड्स की जो अप्रॉक्सीमेटली 1200 स्पीशीज़ हैं वो आपको इंडिया में मिलती हैं, पहली बार सर्वे हुआ है इसका, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा एंडेमिज्म है, ठीक है। एपिफाइट्स होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, माइकोहेट्रोट्रॉफिक, ये हमने अपने प्रीमिक्स में भी डिस्कस किया है, तो ये एक बार प्रिलिम्स के लिए पढ़ लीजिए, सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सो ये पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन नेक्स्ट अगेन इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसमें अरावीकुलम नेशनल पार्क की बात की गई है, तो वो आप पढ़ लीजिए, वो कहाँ पर मिलता है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। और जैसे वहाँ पर नीला कुरुंजी प्लांट एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स इज फाउंड देयर, जो कि 12 साल में एक बार ब्लूम करता है और अभी रिसेंट ब्लूम किया था, ठीक है। मुथुवंस के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, सो ये पार्क के बारे में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सैरस ग्रीन, ठीक है, सैरस ग्रीन वॉज डिक्लेयर्ड अ स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, नो सैरस ग्रीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वल्नरेबल है IUCN स्टेटस इसका, शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। एंड इट इज़ दी इंडियाज ओनली रेजिडेंट ब्रीडिंग क्रेन, बाकी सब माइग्रेटरी रहती हैं, ठीक है। उसके बाद वर्मिन क्या होता है, शेड्यूल 5 है ना, सेक्शन 62 क्या कहता है कि स्टेट्स लिस्ट सेंड करती हैं और सेंटर फिर उसको डिक्लेयर करता है वर्मिन, और जैसे ही सेंटर डिक्लेयर करता है वर्मिन, वो कौन से शेड्यूल में आ जाती है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 वाले जो एनिमल्स हैं वो वर्मिन नहीं डिक्लेयर किए जा सकते, ठीक है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद रातापानी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए मध्य प्रदेश बोला गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है रातापानी, और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 6 हैं, तो अगर ये डिक्लेयर होता है तो 7वां हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स द मंथ ऑफ जुलाई, तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, जस्ट गो थ्रू द करंट अफेयर्स जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वंस मोर, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो उसको गूगल कर लीजिए, उससे आपके जुलाई के करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट। थैंक यू।